नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे अच्छी हैचबैक आपके लिए कौन सी है? सबसे अच्छी छोटी गाड़ी आपके लिए कौन सी है? चाहे आपका बजट कोई भी हो, 3 लाख का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो या 10 का हो, कौन सी कार आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी और उस कार का कौन सा वेरियंट आपको लेना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कंटेंट ज़्यादा होने के कारण ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है। हो सकता है कहीं पर जाके आपको लगे कि ये वीडियो बोर कर रहा है, तो आप वीडियो चेंज कर लें। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो हैचबैक्स के बीच में जो भी कन्फ्यूज़न आपका है वो या तो ख़त्म हो जाएगा या काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसी वीडियो में मैं 22 हैचबैक्स के बारे में इकट्ठी बात करूँगा। इतनी सारी गाड़ियों के बारे में एक ही वीडियो में बात करने के कारण हो सकता है फीचर्स के मामले में, पावर के मामले में या रैंकिंग के मामले में थोड़ी बहुत गलती मुझसे हो गई हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा और उस गलती को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि 3 लाख के बजट के अंदर सबसे बेहतर कार कौन सी है। कार्स के बारे में बात करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी प्राइसेस मैं आपको बताने वाला हूं, जो भी बजट के हिसाब से मैंने कैटेगराइजेशन किया हुआ है, वो सभी प्राइसेस एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से हैं, वो ऑन रोड प्राइसेस नहीं हैं। 3 लाख के बजट के अंदर आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं: टाटा नैनो, डैटसन रेडिगो, मारुति ऑल्टो 800 और रेनो क्विड। इन चारों गाड़ियों के कौन कौन से वेरिएंट्स 3 लाख के अंदर आ जाते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 लाख के बजट के अंदर सबसे बेहतर कार मारुति ऑल्टो 800 का LX ऑप्शनल वेरिएंट है, जिसमें आपको सेफ्टी के मामले में ड्राइवर एयरबैग मिल जाता है, जबकि इस प्राइस सेगमेंट में किसी दूसरी गाड़ी में आपको नहीं मिल पाता। इस गाड़ी के यूज़र रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। ऑल्टो 800 काफ़ी रिलायबल कार है। मारुति की आफ्टर सेल सर्विसेज और मारुति की कार होने के कारण इसकी रीसेल वैल्यू भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। अगर आप 3 लाख के अंदर ऐसी कार लेना चाहते हैं जिसमें फीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, तो फिर आपको नैनो लेना चाहिए। लेकिन नैनो रिलायबिलिटी के मामले में ऑल्टो 800 से काफ़ी पीछे है। अब बात करते हैं कि 4 लाख के बजट के अंदर सबसे बेहतर कार कौन सी है। आपको 6 ऑप्शंस मिल जाते हैं: डैटसन रेडिगो, मारुति ऑल्टो 800, रेनो क्विड, हुंडई इऑन, टाटा टियागो और मारुति ऑल्टो K10। 4 लाख के बजट में इन सभी गाड़ियों के कौन कौन से वेरिएंट्स आ पाएंगे वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी गाड़ियों में से सबसे पहला सजेशन है मेरा टाटा टियागो XE ऑप्शनल वेरिएंट, जिसमें आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं, जो कि आपको इस प्राइस रेंज में किसी में नहीं मिलेंगे। सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन मिल जाता है, 23.84 KMPL का माइलेज मिल जाता है, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन कम नहीं है। सबसे ज़्यादा माइलेज आपको क्विड में क्लेम किया जाता है 25 अराउंड KMPL का, लेकिन 23.84 मतलब ऑलमोस्ट 24 KMPL का माइलेज आपको टियागो में मिल जाता है। 1-2 KMPL से इतना अंतर नहीं पड़ता, लेकिन पावर और सेफ्टी आपको सबसे ज़्यादा मिलती है टियागो में इतनी प्राइस रेंज में। सेकंड सजेशन मैं आपको दूंगा मारुति ऑल्टो K10, जिसमें आपको एक सिंगल एयरबैग मिल जाता है, ड्राइवर एयरबैग। हालांकि इसमें पावर क्विड रेडिगो के बराबर ही है और इसमें आपको 24 KMPL का माइलेज मिलता है। K10 का VXI ऑप्शनल वेरिएंट 4 लाख के अंदर आ जाता है। ऑल्टो K10 के यूज़र रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं और मारुति की गाड़ी होने के कारण इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज और रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इस सेगमेंट में आपको रेनो क्विड भी मिल जाती है, जिसके लुक्स काफ़ी अच्छे हैं, फीचर्स भी आपको इसमें अच्छे खासे मिल जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर मैंने ऑल्टो K10 को रखा है, वो इसीलिए क्योंकि क्विड के यूज़र रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं। ऐसा मैं नहीं कहता कि सारे के सारे क्विड ओनर्स परेशान हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा क्विड ओनर्स अपनी गाड़ी से खुश नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 5 लाख के बजट के अंदर कौन कौन सी कार्स आपको मिल जाती हैं और उनमें से सबसे बेहतर कार आपके लिए कौन सी है। 5 लाख के अंदर आपको 12 ऑप्शंस मिल जाते हैं। हालांकि 4-5 गाड़ियां ऐसी हैं जिनके सिर्फ बेस वेरिएंट्स ही आ पाते हैं इस बजट में। कौन सी गाड़ी का कौन सा वेरिएंट मैक्सिमम इस बजट में आ पाता है वो डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन 12 गाड़ियों में से मैं सिर्फ 3 गाड़ियां आपको सजेस्ट करूंगा। उन 3 में से सबसे पहला सजेशन है टाटा टियागो रिवोट्रॉन XZ वेरिएंट, मतलब पेट्रोल टॉप वेरिएंट। 5 लाख की प्राइस रेंज में टाटा टियागो का टॉप वेरिएंट आ जाता है, जिसके कारण चाहे मैं एक्सटीरियर की बात करूं, इंटीरियर की, कंफर्ट कन्वीनियंस की या सेफ्टी की, सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको टियागो में मिलते हैं। फीचर्स के अलावा सबसे ज़्यादा पावर आपको टियागो के इंजन में मिलती है और माइलेज भी आपको 23.84 KMPL का मिलता है,
जो कि इस सेगमेंट की काफ़ी गाड़ियों से ज़्यादा है। 5 लाख के बजट के अंदर अगर आप डीजल कार लेना चाहते हैं तो टियागो आपको डीजल में भी अवेलेबल मिलती है। टाटा टियागो डीजल XM ऑप्शनल वेरिएंट आपको 5 लाख के अंदर मिल जाता है, जिसमें आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, साथ ही में पावरफुल इंजन और 27 KMPL का माइलेज मिल जाता है। 5 लाख के बजट में मेरा दूसरा सजेशन है मारुति सेलेरियो VXI ऑप्शनल वेरिएंट, जिसमें आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं और साथ ही में 23.1 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। और तीसरा सजेशन मैं आपको दूंगा मारुति सुजुकी इग्निस। इग्निस का सिग्मा वेरिएंट आपको 5 लाख के बजट के अंदर मिल जाता है, जिसमें आपको सभी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन और डुअल एयरबैग्स। हालांकि बाकी फीचर्स बेस वेरिएंट होने के कारण इसमें आपको कम मिलते हैं, लेकिन इग्निस में आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाती है और 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है 5 लाख के बजट के अंदर। चलिए अब बात करते हैं कि 6 लाख के बजट के अंदर आपको कौन सी कार लेना चाहिए। 6 लाख के बजट के अंदर आपको 14 ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6 लाख की प्राइस रेंज से बलेनो और एलिट i20 जैसी धुरंधर गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण कन्फ्यूज़न और ज़्यादा बढ़ जाता है और किसी एक बेस्ट कार को बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अब मैं अच्छे से अच्छे ऑप्शंस को रैंक वाइज सेट करूँगा। फर्स्ट रैंक पर मैं सबसे बेहतर ऑप्शन को रखूँगा, दूसरे पर थोड़ा कम बेहतर, और इसी तरीके से रैंक वाइज में सेट करूंगा इन कार्स को। 6 लाख की प्राइस रेंज से डीजल इंजन्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए मैं पेट्रोल और डीजल इंजन की अलग अलग रैंक्स सेट करके आपको बताऊंगा। पेट्रोल इंजन्स में सबसे पहली रैंक पे टाटा टियागो आती है, जिसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को भी आप 6 लाख के बजट के अंदर ले सकते हैं। इस प्राइस सेगमेंट में आपको टियागो से ज़्यादा फीचर्स और माइलेज कोई दूसरी कार नहीं देती। सेकेंड रैंक पे मारुति बलेनो का डेल्टा वेरिएंट आ जाता है, जिसमें आपको सभी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं और 21 KMPL का माइलेज मिल जाता है। थर्ड रैंक पे मारुति इग्निस आ जाती है, जिसका जीटा वेरिएंट आपको 6 लाख के बजट के अंदर मिल जाता है, जिसमें 20.89 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है और सभी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, साथ ही में 4 सिलेंडर इंजन भी। फोर्थ रैंक पर बात करता हूँ तो सेलेरियो और सेलेरियो एक्स आ जाती हैं, जिनका टॉप वेरिएंट आपको 6 लाख के बजट के अंदर मिल जाता है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन जैसा सेफ्टी फीचर नहीं मिल पाता। फिफ्थ रैंक पे वैगनार आती है, जिसका टॉप वेरिएंट इसमें आ जाता है। टियागो के कंपैरिजन में सेलेरियो में आपको कम पावर मिलती है, कम फीचर्स मिलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन जैसा सेफ्टी फीचर भी नहीं मिल पाता, जबकि 23.1 KMPL का माइलेज सेलेरियो में क्लेम किया जाता है, जो कि लगभग टियागो के 23.84 KMPL माइलेज से बराबर ही है। इसीलिए मैंने सेलेरियो और सेलेरियो एक्स को फोर्थ रैंक पर रखा है। वैगनार का बॉडी शेप काफ़ी पुराना है, स्क्वायर बॉक्स की तरह वैगनार का बॉडी शेप लगता है। हालांकि मारुति समय समय पर इसमें काफ़ी सारे चेंजेस करती रहती है और आगे भी शायद करे। इसके अलावा वैगनार पर सीनियर सिटीजन की छाप लगी हुई है। मारुति की गाड़ियों में ही वैगनार के कंपैरिजन में बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे इग्निस जीटा और सेलेरियो और सेलेरियो एक्स, तो फिर वैगनार क्यों लेना। इसलिए मैंने वैगनार को फिफ्थ रैंक पर रखा हुआ है। डीजल इंजन में फर्स्ट रैंक पर मैं टाटा टियागो को रखूंगा, जिसका टॉप वेरिएंट 6 लाख के बजट में आ जाता है, और सेकंड रैंक पर महिंद्रा KUV को, जिसका K2+ वेरिएंट 6 लाख के बजट के अंदर आ जाता है। गाड़ी में लगा इंजन, उस इंजन में मिलने वाली पावर, वो इंजन आपको कितना माइलेज क्लेम करता है, उस गाड़ी में आपको कितने सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, उसके यूज़र रिव्यूज़ कैसे हैं, इन सभी आधारों पर मैं इन रैंक्स को सेट कर रहा हूँ। इस वीडियो में बताई गई किसी भी गाड़ी के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो ज़्यादातर गाड़ियों के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, जिनमें मैंने बताया हुआ है और डिटेल में कि ये गाड़ी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनकी लिंक सेंड कर दूंगा, या फिर इस स्क्रीन के ऊपर राइट अपर कॉर्नर पर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर, मतलब ये वीडियो ख़त्म होने पर ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर उन वीडियो की लिंक्स आ जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं कि 7 लाख के बजट के अंदर सबसे बेहतर गाड़ी कौन सी है। इस बजट में आपको 12 ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 7 लाख की प्राइस रेंज से शुरू होता है मारुति सुजुकी बलेनो का एक तरफा राज। इस प्राइस रेंज में पेट्रोल इंजन में फर्स्ट रैंक पर मैं मारुति सुजुकी बलेनो जीटा वेरिएंट को रखता हूँ। सेकंड रैंक पे मैं मारुति सुजुकी इग्निस के अल्फा वेरिएंट को रखूँगा। इग्निस को सेकंड रैंक पे रखने का कारण सिर्फ यही है कि कंपटीशन में बलेनो आ जाती है। थर्ड रैंक पे
मारुति सुजुकी स्विफ्ट के जेड एक्स आई वेरियंट को रखता हूँ। फोर्थ पे होंडा जैज जिसका एस वी वेरियंट इस प्राइस रेंज में आ जाता है। और फिफ्थ पे फोर्ड फीगो जिसका टाइटेनियम प्लस वेरियंट आपको इसमें मिल जाता है। हालांकि इस प्राइस रेंज में सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको फोर्ड फीगो पेट्रोल में मिल जाते हैं, चाहे वो सेफ्टी फीचर्स हों या फिर कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस के। लेकिन फिर भी मैंने फीगो के पेट्रोल इंजन को फिफ्थ रैंक पर रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसके इंजन में पावर लैग महसूस हो जाता है और इसका पेट्रोल इंजन आपको काफ़ी कम माइलेज निकाल के दे पाता है। होंडा जैज का मेंटेनेंस मारुति के मेंटेनेंस से थोड़ा ज़्यादा होने के कारण मैंने इसको फोर्थ रैंक पर रखा है। डीजल इंजन की बात करता हूँ तो सबसे पहली रैंक पर वापस मारुति सुजुकी बलेनो आ जाती है, जिसका डेल्टा वेरियंट आपको 7 लाख के बजट में मिल जाता है। सेकेंड रैंक पर मैं फोर्ड फीगो डीजल को रखता हूँ। फोर्ड फीगो पेट्रोल की तरह फोर्ड फीगो डीजल में आपको बिल्कुल भी पावर लैग फील नहीं होता। फीगो डीजल में आपको अच्छी खासी पावर मिल जाती है और साथ ही में 25.83 kmpl का माइलेज मिल जाता है। थर्ड रैंक पे मैं मारुति सुजुकी इग्निस और मारुति स्विफ्ट दोनों को इकट्ठा रखता हूँ। दोनों ही गाड़ियों में सेम इंजन यूज़ किया गया है, लेकिन फ़ीचर्स की बात करूँ तो आपको इग्निस में ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। इग्निस का जीटा वेरियंट डीजल में 7 लाख के अंदर आपको मिल जाता है, जबकि स्विफ्ट का VDI ABS वेरियंट 7 लाख के अंदर आपको मिल जाता है। फोर्थ रैंक पे मैं टोयोटा एटियोस लीवा को रखता हूँ, जिसका VX डुअल टोन वेरियंट 7 लाख के अंदर आ जाता है। इसमें आपको पावर और माइलेज दोनों ही कम मिलती हैं, लेकिन इसका इंजन काफ़ी स्मूथ और रिफाइंड है, इसलिए मैंने इसको फोर्थ रैंक पे रखा हुआ है। ज़्यादातर रैंकिंग्स में मैंने टाटा टियागो और मारुति बलेनो को पहली रैंक पर रखा हुआ है, जिसके कारण कई सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि ये रिव्यू पेड है, मारुति से या टाटा से पैसे खाकर ये वीडियो बनाया जा रहा है, हमें भटकाया जा रहा है वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा छोटा सा चैनल है और इतने छोटे चैनल को कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी तरीके का कोई भी पैसा नहीं देगी। ये वीडियो मैंने आपकी सहूलियत के लिए बनाया हुआ है, आपकी मदद के लिए बनाया हुआ है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये वीडियो चल जाता है तो आने वाले कुछ दिनों में मेरा थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, वरना नहीं। 8 लाख के बजट की बात करते हैं तो इस बजट में आपको 12 ऑप्शंस मिल जाते हैं और कई सारे ऑप्शंस में आपको डीजल इंजन में टॉप वेरिएंट भी मिल जाता है। पेट्रोल इंजन्स में 8 लाख के अंदर सबसे पहली रैंक पे मारुति सुजुकी बलेनो का अल्फ़ा वेरिएंट आ जाता है। सेकंड रैंक पे इग्निस का टॉप वेरिएंट, थर्ड रैंक पे स्विफ्ट का टॉप वेरिएंट, फोर्थ पे जैज का मैनुअल टॉप वेरिएंट और फिफ्थ पे KUV का टॉप वेरिएंट और फीगो और एलीट i20 का मैनुअल टॉप वेरिएंट। इग्निस, स्विफ्ट, जैज, KUV, फीगो, इनके टॉप वेरिएंट्स पेट्रोल इंजन में 7 लाख के बजट के अंदर ही आ जाते हैं, लेकिन 8 लाख के बजट में इग्निस, स्विफ्ट से बेहतर कोई गाड़ी नहीं है, इसलिए मैंने इन्हीं गाड़ियों को वापस रखा हुआ है। वैसे तो आपको फोर्ड फीगो और एलीट i20 में सबसे ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं और बाकी फीचर्स भी आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, लेकिन मैंने फिफ्थ रैंक पे इन दोनों गाड़ियों को रखा है। उसका कारण है कि इन दोनों ही गाड़ियों के पेट्रोल इंजन्स में आपको पावर लैग फील होता है और माइलेज भी कम निकाल के दे पाती हैं। ओवरऑल मैं बात करूं तो मारुति को छोड़कर बाकी ज़्यादातर कार कंपनीज की पेट्रोल हैचबैक्स में आपको पावर लैग फील होता है और माइलेज भी कम क्लेम किया जाता है, जबकि मारुति के पेट्रोल इंजन्स बेहतर परफॉर्म करते हैं, आपको पावर लैग फील नहीं होता और सबसे ज़्यादा माइलेज भी इनके पेट्रोल इंजन्स में क्लेम किया जाता है। ले देकर एक सिर्फ टाटा की टियागो ही है जो कि मारुति की हैचबैक्स को हरा पाती है। 8 लाख के बजट के अंदर डीजल इंजन्स की बात करता हूँ तो पहली रैंक पे मारुति सुजुकी बलेनो का जीटा वेरिएंट और हुंडई एलीट i20 का स्पोर्ट्स वेरिएंट आ जाता है। ये दोनों ही गाड़ियाँ इस प्राइस रेंज में नंबर 1 है। डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज़ पे, आपकी चॉइस पे कि आपके लिए कौन सी बेहतर है। अगर आप कोई एक ऐसी कार लेना चाहते हैं जिसका माइलेज सबसे अच्छा हो तो आप बलेनो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई एक पावरफुल, स्मूथ, रिफाइंड और एलीट फील वाली कार चाहते हैं तो एलीट i20 इस प्राइस रेंज में सबसे बेहतर है। ऐसा मैं नहीं कहता कि बलेनो बिल्कुल अंडर पावर्ड गाड़ी है या फिर आपको चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, लेकिन कंपेरेटिवली बात की जाए तो एलीट i20 ज़्यादा अच्छी चलती है बलेनो के कंपेरिजन में। सेकेंड रैंक पर फोर्ड फीगो और होंडा जैज आ जाती हैं। फोर्ड फीगो में आपको सबसे बेहतर सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। फीगो में आपको काफ़ी पावरफुल इंजन मिलता है और माइलेज 25.83 का क्लेम किया जाता है, जबकि जैज में आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, पावरफुल इंजन मिलता है और बलेनो बराबर ही 27 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। लेकिन जैज का मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा होने के कारण
फर्स्ट रैंक के अलावा मैंने इसे सेकंड रैंक पर रखा हुआ है। फीगो का टाइटेनियम प्लस और जैज का एस वेरिएंट इस प्राइस रेंज में आपको मिल जाता है। थर्ड रैंक पे मारुति सुजुकी इग्निस का अल्फा वेरिएंट और मारुति स्विफ्ट ZDI वेरिएंट आ जाते हैं। फोर्थ रैंक पे महिंद्रा KUV 100 नेक्स्ट जनरेशन K8 डुअल टोन वेरिएंट आ जाता है, जबकि फिफ्थ रैंक पे ग्रैंड i10 एस्टा वेरिएंट आ जाता है। ग्रैंड i10 के सिर्फ टॉप वेरिएंट को लेने के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि इसके सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन जैसा सेफ्टी फीचर आपको किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलता, इसलिए इसके सिर्फ टॉप वेरिएंट को मैं लेने के लिए सजेस्ट करता हूँ। अगर आप SUV जैसी दिखने वाली हैचबैक लेना चाहते हैं तो महिंद्रा KUV 100 नेक्स्ट जनरेशन आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है। इसमें आपको सभी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं और बाकी सारे फीचर्स भी ज़्यादातर आपको मिल जाते हैं, लेकिन इसका गियर बॉक्स आपको डैशबोर्ड में लगा मिलता है हमारे पुराने टेम्पूज की तरह, और फ्रंट की सीट्स एम्बेसडर की तरह जॉइंट हैं, जिसके कारण काफ़ी लोग इसे लेना ना पसंद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 लाख के बजट में आपको 6 ऑप्शंस मिल जाते हैं। 9 लाख के बजट में अगर आप एक पेट्रोल प्रीमियम हैचबैक लेना चाहते हैं तो सबसे बेहतर ऑप्शन है बलेनो RS, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा पावर मिलती है और 21 kmpl का सबसे अच्छा माइलेज क्लेम किया जाता है। सेकंड रैंक पे होंडा जैज का VX वेरिएंट आ जाता है और थर्ड रैंक पे हुंडई i20 एक्टिव का S वेरिएंट आ जाता है। डीजल इंजन्स में सबसे पहली रैंक पे हुंडई एलीट i20 का एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट आ जाता है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जैसे 6 एयरबैग्स, और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स भी आपको बलेनो के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं। इसके अलावा एलीट i20 का इंजन ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड है, इसलिए ये गाड़ी डीजल इंजन्स में फर्स्ट रैंक पे आ जाती है। वैसे तो एलीट i20 बलेनो से थोड़ा कम माइलेज आपको दे पाती है, करीब 2-3 kmpl कम। जो बंदा 9 से 10 लाख रुपये की गाड़ी खरीद रहा है उसे 2-3 kmpl माइलेज से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी एलीट i20 में आपको ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, ज़्यादा पावर मिल जाती है बलेनो के कंपैरिजन में, और अगर आपको 2-3 kmpl के माइलेज से फ़र्क पड़ता है तो आप मारुति बलेनो डीजल या फिर होंडा जैज डीजल जैसे ऑप्शंस को ले सकते हैं। सेकंड रैंक पे मारुति बलेनो अल्फा वेरिएंट और होंडा जैज वी एंड प्रिविलेज वेरिएंट आ जाता है। थर्ड रैंक पे टोयोटा इटियोस क्रॉस का एक्स एडिशन वेरिएंट आ जाता है और साथ ही में हुंडई i20 एक्टिव का एस वेरिएंट, और फोर्थ रैंक पे फॉक्सवैगन पोलो हाईलाइन प्लस वेरिएंट। 9 लाख के बजट में फॉक्सवैगन पोलो को मैंने फोर्थ रैंक पे इसीलिए रखा है क्योंकि अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा महंगी आपको पोलो मिलती है। इसके अलावा इसके इंजन में आपको कम पावर मिलती है और कम माइलेज भी, साथ ही में फॉक्सवैगन की आफ्टर सेल सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है और पोलो का मेंटेनेंस भी काफ़ी हाई है। हालांकि पोलो GT के इंजन्स अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं, लेकिन ये 9 लाख के बजट को क्रॉस कर जाते हैं। 10 लाख के बजट की बात करता हूँ तो इसमें सिर्फ 3 प्रीमियम हैचबैक्स आ पाती हैं, फॉक्सवैगन पोलो, जिनके टॉप वेरिएंट्स आपको 10 लाख में मिल जाते हैं, होंडा जैज और i20 एक्टिव। इन तीनों को रैंक वाइज सेट करता हूँ तो फर्स्ट रैंक पे मैं होंडा जैज को रखूँगा, जिसमें आपको स्पेस मिलती है, पावर मिलती है, अच्छा खासा माइलेज मिलता है और लुक्स भी मिलते हैं। सेकंड रैंक पे मैं i20 एक्टिव को रखूँगा और थर्ड पे फॉक्सवैगन पोलो को। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से आपके कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने की या फिर कम से कम करने की, लेकिन एक ही वीडियो में इतनी सारी गाड़ियों को इन्वॉल्व करने के कारण या फिर मेरे एक्सप्लेन करने के तरीके के कारण आपका कन्फ्यूज़न अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरी को मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने की। चलिए अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको 1% भी मदद मिली हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।